स्टार्ट साउंड कैमरा आकेट लैप लैप एक्शन In this film I'm playing a character who is a very happy-go-lucky character, but because of certain circumstances, certain things happens in life, and he got to know that he got some only few days in which he can live, and it's journey from that point till something happened which you will get to know once you'll watch the film. देखिए मैं करना जिस तरीके का मैं कैरेक्टर करना चाहती थी ये उसी तरीके का था कि जैसे मैं दिखती हूँ कि अब हम जैसे नॉर्मल लाइफ में जीते हैं कॉलेज जाते हैं या वैसे तो सेम मैं जैसे दिल्ली से आई तो मुझे उसी तरीके का कैरेक्टर मिल गया और मुझे इसे इसको करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई तो मैंने कहा हाँ 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 यही होना चाहिए. Yeah, actually, Gaur Sahab, he's a very interesting and very nice person I've met. And he's a producer of a film and he's a very good actor. And the thing is, like, you know, for me, he has a sense of, like, you know, casting. So I just, he saw me. And the thing is, like, you know, this was character which was suiting me perfectly. So that way, he is, I'll be thankful to him, like, you know, giving me this opportunity in which I can show my talent or something like that. हमारा बेसिक फंडा जो फिल्म बनाने का है, सब्जेक्ट्स मैं सोचता हूँ खुद, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे के सब्जेक्ट नहीं लूँगा. मुझे लगा कि मैं आसानी से सोच लेता हूँ क्योंकि मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जानता हूँ. आई एम मतलब बेसिकली हमारा आइडिया था ऑर्गन डोनेशन को पॉपुलराइज करना, उसको प्रेजेंट करना एंटरटेनमेंट के साथ. मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्री बने, तो इसके लिए मैंने उसमें इनफ म्यूज़िक रोमांस एक्शन सब रखा और उसके ज़रिए हमने प्रमोट किया ऑर्गन डोनेशन के इश्यू को, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लोग समझते नहीं हैं, टैबू है, लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से. तो मैंने दोनों को मैच किया है, समझाया है, उसमें रिलीजन को भी मैं लेके आया हूँ. पूरी कोशिश मैंने की हर तरह से, एंटरटेनमेंट भी है, रिलीजन भी है, सब है उसमें, कि लोग उसको समझें और उसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की गवर्नमेंट साथ दे रही है. अपने चीफ मिनिस्टर अपना प्रीमियर अटेंड करेंगे, वो भी लॉन्च करने वाले थे इसका पोर्टल, मैं भी लॉन्च करने वाला था, एंड वी जस्ट मेट एट द राइट टाइम. तो उसकी वजह से हमने ऑर्गन डोनेशन कार्ड लॉन्च किया है, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, लोग भरेंगे और ऐसे करके इसका उसको प्रमोट किया जाएगा.
देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी है, लव स्टोरी भी है इसमें। आप कह सकते हैं कि एक इंसानियत के नाते हम मरने के बाद भी दूसरों को क्या दे सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें भी इसमें दिखाई गई हैं कि मरने के बाद ये नहीं होता कि हम जिंदा हैं तो ही किसी की हेल्प कर रहे हैं, हम मरने के बाद दूसरे की कितनी हेल्प कर सकते हैं, अपने अंग दान करके एक दूसरे को ज़िंदगी मिल सकती है। तो ये एक लव स्टोरी भी है और दूसरा कि एक दूसरा इंसान दूसरे को कितना प्यार कर सकता है, ज़िंदगी दे सकता है, ये उस तरीके की फिल्म है। और हमारे जो डायरेक्टर हैं बीएम मिर्ज़ा बहुत टैलेंटेड हैं, उन्होंने पूरी फिल्म लिखी है और इसको एक एक कह सकते हैं कि एक एक सीन को उन्होंने मोती की तरह पुरोया है और हम लोगों को बहुत सुंदर दिखाया है। तो और बाकी तो इसे ऑडियंस ही देख के बताएगी कि कैसी है।